भूख बदहाली से परेशान किसानों के आंकड़े 2009, 2011, 2016 में एनसीबी लगातार दर्ज करती आ रही थी। सरकारों पर सरकारें भी चुप्पी साधे वादों से ढांढस बना रही थी। बच्चों की पढ़ाई, फसलों की निराई गुड़ाई कटाई बुरे सपने की तरह डराते हुए किसानों को जीवन लीला समापन की ओर ले जा रही थी। महापुरुषों संतों की इस धरती पर जहां सोना मिट्टी को कहा जाता है, किसान भविष्य को बचाने के लिए कमर कसे केंद्र को चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहा है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत घूंगी बहरी सरकार को पहले की तरह इस बार भी कड़ा संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश को भी संवैधानिक वर्चस्व मिला है, जहां लोग खुशहाल रह सके, यहां उनका भी हौसला बुलंद हो, रोजगार कर मुनाफा कमा सके, राज्य की सरकार बिना डरे चुन सके। लोकतंत्र मूल से ही लोकमत से बना है। अनुच्छेद 1 जिसमें भारत की धरती को राज्य में संघ में बांटने का अधिकार दिया गया है। सवाल है इन कानून के रचयिताओं से, जमीन को तो बांट दोगे लेकिन मनुष्य के शरीर को उसकी भावनाओं को बांटने पर अपराध दर्ज किया जाता है। संसद भी एक ढकोसला है जहां कानून औजार है या चाबी, इसे सिद्ध करना होगा। किस्मत खुलेगी तो किसकी, जरा समझना होगा। आधुनिक भारत के पितामह के संदेश को पढ़िए, जब कक्षा 1 पढ़ी तो 2 से गुरेज क्यों, समझो जानो, हरियाली खुशहाली है जो जीवन को बदल देती है।